नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना न भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं अवैध शराब के काले कारोबार को संरक्षण देने वाले भ्रष्ट अफसरों पर हुई कार्रवाई से। जिले में दो अवैध शराब फैक्ट्री और करोड़ों की शराब बरामद होने के बाद पुलिस विभाग में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। एएसपी, डिप्टी एसपी कुंडा और कुंडा कोतवाल समेत पूर्व एसओ हथगुआ समेत दो दरोगाओं को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। कल देर रात हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। बता दें, 2 अप्रैल को हथगुआ के मोहद्दीनगर और परसीपुर में शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए आईजी रेंज प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह ने करोड़ों की शराब के साथ साथ हजारों लीटर शराब बनाने का केमिकल भी मत किया था। इतने भारी पैमाने पर शराब बरामदगी की खबर जब शासन स्तर तक पहुंची तो जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हुई तो कई चेहरे बेनकाब हो गए। इधर कुंडा में भी बाबगंज बाजार से लाखों की शराब का जखीरा बरामद हुआ। जांच के दौरान एडिशनल एसपी पश्चिमी दिनेश द्विवेदी, सीओ कुंडा जितेंद्र सिंह परिहार, कुंडा कोतवाल डीपी सिंह और पूर्व एसओ हथगुआ उदय त्रिपाठी की साठगांठ पुलिस के आला अधिकारियों के सामने आ गई। यह शासन की आंखों में धूल झोंकते हुए शराब माफियाओं से हर महीने मोटी रकम लेकर उनको खुला संरक्षण दे रहे थे। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी को शराब माफियाओं द्वारा लग्जरी गाड़ियां और सानो सौकत के सारे सामान उपलब्ध कराए जाते थे। सूत्रों की माने तो उच्च गोपनीय जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद शासन ने देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और सीओ कुंडा को निलंबित कर दिया और सोमवार की देर रात एसपी आकाश तोमर ने कुंडा कोतवाल और बाबूगंज के हल्का दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ हथगुमा के नौबस्ता परसीपुर में करोड़ों की शराब पकड़े जाने के मामले में वहां के हल्का दरोगा हंसराज दुबे को भी एसपी ने सस्पेंड कर दिया। सूत्रों की माने तो अभी कई अन्य पुलिसकर्मियों के बारे में गोपनीय तरीके से जांच चल रही है, जिनमें कुछ भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी है। बता दें कि जिले में जहरीली शराब से अब तक दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद अब प्रतापगढ़ से योगी सरकार नशे के इस काले कारोबार को खत्म करने में जुटी है और इसकी जिम्मेदारी तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर आकाश तोमर को सौंपी गई है। जहां शराब माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं आज डाक बंगले में पत्रकारों से बात करते हुए एमएलसी प्रतापगढ़ अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी ने शराब माफियाओं और पुलिस के गठजोड़ पर सवाल खड़े किए। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर प्रतापगढ़ एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि शराब माफियाओं ने जिले को शर्मसार किया है। शराब माफियाओं पर ऐसी कार्रवाई हो जो नज़ीर बने। पुलिस और माफियाओं के खेल में अब तक दर्जनों जाने जा चुकी हैं। शराब माफियाओं के साथ फोटो वायरल मामले में एमएलसी गोपाल जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं, कौन शराब माफिया है, कौन अपराधी है, ये काम पुलिस का है। जिले शराब माफियाओं और पुलिस के गठजोड़ पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई से जनसत्ता दल के फायर ब्रांड लीडर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी संतुष्ट दिखे। नजीर साहब, जिले में व्यापक पैमाने पर अवैध शराब पकड़ी गई और उसके पूर्व में जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे जनपद की बहुत बड़ी बदनामी हुई। हम लोग खुद ही शर्मिंदा हैं कि इतना बड़ा गंदा काम यहाँ पे हो रहा था। और जिन पुलिसकर्मियों ने इन अवैध शराब कारोबारियों को संरक्षण दिया, उन पर तो कुछ पर कार्रवाई हुई, तो क्या इस कार्रवाई को आप पूर्ण मानते हैं? देखिए, इसका हम स्वागत करते हैं और सम्मो करते हैं। बहुत अच्छा प्रशासन का वो था, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और साथ में जो निर्दोष लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जैसे मान लीजिए 100-200 रुपए के लिए मजदूरी कर रहे थे, उनके यहाँ जो लोग कर रहे थे, उनके साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई उनके साथ एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मेन थे, कि एक इतिहास बन जाए, एक नज़ीर बन जाए, दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके ऐसी कार्रवाई करने, ऐसे काम कर गंदे घिनौने काट करने के लिए। आप कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, कुछ राजनीतिक लोग आपकी फ़ोटो और माननीय राजा भैया की फ़ोटो। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास लाखों लोग आते हैं, कहीं भी गांव जाते हैं हर आदमी खड़ा हो जाता है सेल्फी खिंचाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। इसके लिए तो प्रशासन हमको कोई एक ऐसा एक्सरे दे दे कि आदमी ऐसा एक्सरे हम कर लें कि जीवन भर ही कोई गलत काम नहीं करेगा, तो हम ऐसे आदमी को नज़दीक ना आने दे। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं कि कोई आदमी हमारे पास अगर फ़ोटो खे, हम उसके साथ नहीं हैं, ऐसे गंदे लोगों के साथ नहीं, उनके कार्रवाई जो होगी तो उसकी सराहना करेंगे हम। तो क्या आगे, क्या आप क्या प्रशासनिक मांग क्या करेंगे और शासन से क्या मांग करेंगे कि प्रतापगढ़ में ऐसा जो चल रहा है, ये इस पर आगे क्या? देखिए, मेन लोग जो हैं, प्रशासन ने जिस तरह से अभी अपने अधिकारियों पर पहले कार्रवाई करके एक संदेश दिया है, उसी तरह जो है हमको, हम उम्मीद करते हैं कि गलत जो निर्दोष हैं उनको नहीं, जो गलत हैं उन पर एक ऐसी कड़ी कार्रवाई करें कि आने वाले समय में कोई हिम्मत न कर।
अगली खबर पंचायत चुनाव से है, जहां मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी के चलते आज सैकड़ों ग्रामीणों ने डीएम आवास का घेराव करते हुए मतदाता सूची में जीवितों के नाम काटने और मृतकों के नाम जोड़ने का गंभीर आरोप लगाते हुए धरना दिया। पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी उठापटक जारी है। आज जिलाधिकारी आवास पर लालगंज तहसील के मुरैनी गाँव के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके गाँव के वोटर लिस्ट से 100 से अधिक लोगों का नाम काटा गया है। मुरैनी गाँव के सभी निवासियों का आरोप है कि उनका नाम जानबूझकर काटा गया और उनकी जगह मृतकों और नाबालिगों का नाम दर्ज किया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आवास पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जाने की मांग की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस तरह निष्पक्ष चुनाव कैसे लड़ा जाएगा जब मृतकों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा और जीवित मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। अगली खबर मानिकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां चैनल का ताला तोड़कर निवर्तमान प्रधान के घर घुसे बेखाब चोरों ने नकदी समेत लाखों का सामान पार कर दिया। इसी तरह पड़ोस के 3 अन्य लोगों के घर में दीवार के सहारे घुसे चोर लाखों रुपए का सामान समेट ले गए। मानिकपुर थाना क्षेत्र के बड़गो निवासी निवर्तमान प्रधान राम प्रताप उर्फ गुड्डू पांडे के घर बीती रात चोर चैनल के आगे और पीछे का ताला तोड़कर घुसे। जिन कमरों में प्रधान, उनकी माँ, बहू और बेटे सो रहे थे, उसको छोड़कर चोर अन्य कमरों में घुस गए। पीड़ित के मुताबिक अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर रखी नकदी करीब 6 तोला सोना और चांदी के जेवरात उठा ले गए। इसके बाद पड़ोस के ब्रिजेश पांडे के घर चोर दीवार के सहारे घुसे। उनके घर में रखी हजारों की नकदी, सोने चांदी के जेवरात, कपड़े, बर्तन समेत लाखों का सामान समेट ले गए। अगले महीने ब्रिजेश की बेटी की शादी तय है, वह शादी की तैयारी कर रहे थे। चोरों ने शादी में देने वाले जेवरात वाले सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसी तरह कैलाशनाथ पांडे के घर पर भी चोरों ने बक्से आदि का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी जेवरात समेत लाखों का सामान समेट लिया। फिर कमलेश कुमार उपाध्याय के घर में घुसे चोरों ने अलमारी, बक्से का ताला तोड़ा और नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। फील्ड यूनिट की टीम ने दरवाजे, खिड़की, चैनल गेट, टूटी अलमारी, बक्से से नमूने लिए। एसओ सुभाष यादव का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।